सब्सक्राइब करिए मिस्टीरियस अर्थ हिंदी को और बेल के आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सपनों की दुनिया बेहद रहस्यमयी है। अच्छे बुरे सपनों को लेकर अक्सर कई तरह की मान्यताएं भी होती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम सपनों को भूल जाते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब जल्द ही ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जहां सपनों को अब दोबारा देख सकेंगे। जापानी साइंटिस्ट ऐसी मशीन बना चुके हैं जो आपके सपनों को रिकॉर्ड करेंगी। 10 साल से चल रहा है काम। जर्नल साइंस के मुताबिक जापानी साइंटिस्ट की टीम दुनिया के इस सबसे रोचक और रहस्यमय विषय पर करीब 10 सालों से काम कर रही है। एक साइंस फिल्म में दिखाए गए सीन को साइंटिस्ट असलियत में बदलने में लगे हुए हैं। कुछ समय पहले ऐसी मशीन बनाई गई थी जो दिमाग से मिले सिग्नल से बता सकती थी कि व्यक्ति सपने में क्या देख रहा है, और इस पर लगातार काम जारी है। तो कैसे काम करती है ये मशीन? जब भी हम कोई सपने देखते हैं, तब हमारे दिमाग में न्यूरल पैटर्न तैयार होते हैं। ये सब न्यूरॉन्स की हरकत की वजह से होता है। जब दिमाग एक्टिव होता है, तब न्यूरॉन्स मस्तिष्क को संदेश भेजने में मदद करते हैं। माना जाता है कि सपने के दौरान भी कुछ न्यूरॉन्स हरकत में रहते हैं। एक कंप्यूटर एल्गोरिथम की मदद से दिमाग में बने इस न्यूरॉन पैटर्न को समझा जा सकता है। रिसर्च के मुताबिक जब भी हम कोई वस्तु या कोई दृश्य देखते हैं, तब दिमाग में एक खास तरह का पैटर्न बनता है। उदाहरण के तौर पर हम जितनी बार सपने में घर देखेंगे, दिमाग में ठीक उसी तरह के न्यूरल पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न से यह समझा जा सकता है कि व्यक्ति सपने में क्या देख रहा है। वही साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई ड्रीम रीडर मशीन इस एल्गोरिदम की मदद से ठीक वैसे ही दृश्य बनाकर रिकॉर्ड कर सकेगी। हालांकि इसकी सटीकता के लिए लगातार रिसर्च जारी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।